हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू सीरीज चली थी पॉलीनोमियल में, जो कि चैप्टर 2 था क्लास 10th का, उसका हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके पार्ट 3 को लाए हैं और इसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन में काफी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स प्लस 2 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका, और बोला कि ए प्लस बी इक्वल टू है किसके, 4 के। तो बताना कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, अगर ये जो है ना इसका फैक्टर है, मतलब इसको इसमें रखने पर ये इसको पूरी तरह से क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इतना क्लियर? तो हम अगर लिखना चाहे इसको तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये x का फॉर्म है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b, ये फॉर्म मिलेगा। इतना क्लियर? अब इसको भी लिखना चाहे तो कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 2, तो 2 प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 2 इक्वल टू एक्स। तो आप कह सकते हैं कि इसके जो 0 निकलेंगे माइनस 2 निकलेगा। अब ये पूरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके जीरोस भी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मतलब ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करते तो ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 0 होनी चाहिए। इतना क्लियर? तो हमारा क्या आएगा, देखिए 0 इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2b, ये फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2b। इतना क्लियर? अब देखिए 4 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 4 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 2a और प्लस का 2b। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, माइनस का ए प्लस का बी, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 4, 2 से इसे उड़ाएंगे क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का ए प्लस का बी, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इतना क्लियर? अब देखेंगे आपके पास एक और फॉर्म दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू 4 का, ए प्लस बी इक्वल टू 4 का। अब इसको इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आप इसे ऐड करते तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए ऐड करते पहले लिख लेते हैं इसको अच्छे से। तो माइनस का ए प्लस का बी इक्वल टू माइनस का 2 ऐड करेंगे तो देखिए सिंपल ऐसे रहेंगे। तो देखिए ए से क्या होगा, कैंसिल आउट, बी भी क्या होगा, 2b, यहाँ पे देखिए 4 और माइनस 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 से कारण कितना आएगा, 1, तो b का मान क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। इतना क्लियर? अब b की वैल्यू हम इसमें या इसमें किसी में भी एक में पुट करेंगे, तो हम ऊपर वाले में पुट करते हैं। तो देखिए a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, 1 इक्वल टू 4, 1 प्लस का हो जाएगा तो माइनस, तो a इक्वल टू क्या, 4 माइनस 1 मतलब कितना, 3। तो a का मान कितना आ गया, 3, और b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिख लेते हैं a का मान कितना है, 3, और b का मान कितना है, 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर? अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ये जो पॉलीनोमियल दिया है इसकी डिग्री बतानी है। तो सिंपल, अगर आपको कोई पॉलीनोमियल दिया है उसकी डिग्री देखनी है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा उसकी मैक्सिमम पावर को, किसकी मैक्सिमम पावर क्या है। अगर आपको मैक्सिमम पावर मिल गई तो आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी, भाई कितनी डिग्री होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो आप कह सकते हैं इसकी डिग्री भी क्या होगी, 4 होगी। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाई इक्वल टू पी एक्स, ये हमको कर्व दिया है जो कि पैराबोलिक फॉर्म में है। ठीक, अब इसमें बोला द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, पी एक्स पे नंबर ऑफ जीरोस बताने कितने होंगे। यहाँ पे एक्स लिखा है ना, इसका मतलब ये बोला है कि एक्स एक्सिस पे ये जो कर्व गया है ये कर्व कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, याद रखिए कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, दोनों उसको ये कर सकता है। ठीक, तो उसे हम काउंट करते हैं, वही उसके क्या हो जाते हैं, जीरोस हो जाते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक बार ही क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, तो कह सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसके जीरो निकालने हैं। तो जीरो अगर फाइंड करना हो तो इस पूरे को हमें क्या लेट करना पड़ता है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस बी। अब बी प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का बी इक्वल टू एक्स, अब ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू एक्स। तो आप कह सकते हैं आपके जीरो क्या आएंगे, माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको देखने को मिल रहा है कि कर्व है जो पैराबोलिक फॉर्म में, ठीक ना, आप पैराबोलिक फॉर्म में दिखाती है उल्टा बना हुआ है पैराबोल में, पैराबोला का फॉर्म हमारा कुछ ऐसा होता है, वरना ऐसा होता है। अब इसका जो दूसरा फॉर्म भी हो निकलते हैं, बाकी जो दो फॉर्म होते हैं वो कुछ ऐसे और ऐसे होते हैं। तो ये हमको कैसा दिया गया है, डाउनवर्ड दिया गया है। इतना क्लियर? अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए, एक ये, ठीक, और हमें बताना कि इनको कौन सेटिस्फाई करेगा इनमें से। अब क्लियर सोचिएगा पहले, अगर आप ए क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपने एक को क्या लिया, पॉजिटिव, यहाँ प्लस का आएगा और यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का। और हम देख रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है, माइनस का, वाई क्या होता है, प्लस का। तो ये प्लस का आना चाहिए था ना, लेकिन ये क्या आ गया, निगेटिव, तो हम ए प्लस को नहीं ले सकते। अगर हम ए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, बात समझिएगा, अगर हम ए को क्या लेते हैं, माइनस, तो यहाँ माइनस रखिए, यहाँ माइनस रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक, अब यहाँ माइनस रखने पर इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम बी को क्या ले सकते हैं, उसको भी माइनस ले सकते हैं। अगर बी को माइनस लेते हैं तो आप देखेंगे कि ए को माइनस रखा, बी को माइनस रखा, तो माइनस माइनस क्या, प्लस। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
मानस में। अगर ए और बी की वैल्यू मानस होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए जीरो से, और बी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो से छोटी। तो इसमें से देखा जाए तो हमारा कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये हम फॉर्म देख सकते हैं कि भाई हाँ इतना मिल रहा है। लेकिन हमें सी को भी देखना है कि भाई सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्लियर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो सी का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि सी की वैल्यू कुछ बड़ी है ना, जीरो तो है नहीं, ठीक। या तो ये पॉजिटिव बड़ी होगी या निगेटिव बड़ी होगी। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। देखो जीरो यहाँ पे है ना, तो जीरो से इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, अप साइड में है ना, क्योंकि कट कहाँ कर रहा है, देखिए वाई एक्सिस में कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, जीरो से। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू स्मॉलर होगी जीरो से और सी की वैल्यू ग्रेटर होगी जीरो से। तो इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है, इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर ये एंड ये। तो हम बताने की इक्वेशन क्या होगी, सिंपल हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले, बाकी दो जो पार्ट थे उसमें भी हमने इसके सवाल लगाए हुए हैं। तो इसके लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यूज करेंगे, इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस ना, मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते देखिए 3/5 प्लस माइनस का 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/5 माइनस 1/2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इधर, तो 3 2 कितना आएगा 6, माइनस 5 5 5/5 2 10, तो 6 में से गया कितना बचे, सॉरी 6 में से 5 ये कितना बचेगा 1 अपॉन में 10, तो 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1/10, फिर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना, इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 वो भी माइनस का ना, ठीक, फिर 5 2 10 इक्वल टू जीरो, ये आ गया, इतना क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ 1 लेके, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ क्या आएगा 10x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा प्लस का 1x प्लस माइनस क्या आएगा माइनस का इक्वल टू जीरो। अब 10 उधर भेज दे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है, 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, या फिर आप इतने को उठा लें क्योंकि इतने ही पार्ट हमको चाहिए। तो आंसर देखें तो क्या आएगा, 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा है, लेकिन तो ऑप्शन बी मिल रहा है, और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल इसके, अल्फा बीटा गामा जो जीरोस है वो इसके हैं, ठीक ना, हमें बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके लिए तीन फॉर्मूले होते हैं, पहला सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, इतना क्लियर। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका क्या होता है सी अपॉन ए। लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इसका टू क्या होता है मास का डी अपॉन ए। हमको निकालना है इसकी वैल्यू, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, इसकी वैल्यू निकालनी तो हमें सी अपॉन ए चाहिए, मतलब सी चाहिए और ए चाहिए। इसके लिए हम फिर यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सॉरी ए एक्स क्यूब, क्योंकि क्यूब का फॉर्म है ना, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये रहेगा फॉर्म, ठीक। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए हमको चाहिए क्या, सी और ए चाहिए ना, तो पूरे ही कंपेयर कर लेते क्या ढूंढने जाए बाकी में, ठीक। देखिए क्यूब वाले को क्यूब के साथ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक। अब b की वैल्यू देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर साथ तो b की वैल्यू क्या माइनस का 6 आएगा। c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ठीक। और d की वैल्यू कितनी आएगी 30 आ जाएगी, इतना क्लियर। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए c की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका कह सकते इसका आंसर क्या आएगा माइनस 1/1 या फिर माइनस 1। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज माइनस 3, मतलब इसमें से एक जीरो हमको ये दिया हुआ है, तो बताना के की वैल्यू क्या होगी इसमें का, अगर ये जीरो ये दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ एक्स रखने पर इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, के माइनस 1 एक्स की वैल्यू कितनी माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो आएगा, इतना क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो के माइनस 1 9 प्लस देखिए के 3 आएगा माइनस का 3 आएगा 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस का 3 के प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ, तो 9 के फिर माइनस का 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 9 में से 3 माइनस होगा ना, क्योंकि प्लस का है माइनस का, तो माइनस होगा, तो कितना आएगा 6 के। अब माइनस 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा, वही माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, 8 माइनस का हो गया तो प्लस का, तो 6 के इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई में हो गया तो डिवाइड में, तो के इक्वल टू क्या आएगा 8/6। अब दोनों को उड़ाना चाहते किससे उड़ा सकते हैं, ध्यान देखिए
उड़ा सकते हैं इसे 2 से, तो 2 थीटा 6 2 4 जा 8, तो k का मान क्या आएगा 4 अपॉन 3 आ जाएगा, कितना आएगा 4 अपॉन 3। इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्राफ ऑफ अ पॉलीनोमियल fx = 2x - 5 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0, y की वैल्यू पे कट ही नहीं कर रहा है तो y का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y का होता है, y पे कट नहीं कर तो y का मान क्या हो गया हमारा 0, तो ये फॉर्म मिल गया। इतना क्लियर, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, भाई x की वैल्यू क्या होगी, सिंपल इसने बोला कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ इसका है ना, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम fx को क्या ले लेंगे 0, तो 0 इक्वल टू क्या आएगा 2x - 5, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 5 इक्वल टू 2x, अब 2 मल्टीप्लाई उधर तो डिवाइड में, तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू x, तो x का मान क्या आएगा 5/2, तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 5/2, 0, तो इस तरह से हमारा आंसर ये आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कांस्टेंट इज, अब कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी, अब कांस्टेंट मतलब क्या, कोई भी एक आप वैल्यू ले लीजिए जो कि फिक्स हो, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया 7, अब 7 फिक्स है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी डिग्री निकालनी है, तो सिंपल डिग्री किसकी निकलती है, एल्जेब्रिक फॉर्म की, तो इसके साथ एल्जेब्रिक फॉर्म लेना पड़ेगा, तो हमने लिया एक्स, इतना क्लियर। लेकिन अगर देखेंगे तो कांस्टेंट बोला है ना, तो उसके पास तो एक्स होना नहीं चाहिए, अब इस एक्स को हटाना है तो उसके लिए आपको इसकी पावर क्या लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तभी तो ये पूरा 1 बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।